नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। SSC MTS का एग्ज़ाम 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए जो जनरल नॉलेज के एक्सपेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इन क्वेश्चनों की संख्या 10 है, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हुज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज सद्भावना दिवस। किसके जन्मदिन को हम लोग सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं? तो इसका आंसर है राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो सेकंड क्वेश्चन था, ये मैं रेलवे मैं RRB NTPC का जब एग्ज़ाम दिया था तो ये क्वेश्चन पूछा था। जिन्होंने 17 का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन सिक्रेट बाइल जूस? कौन सा ऑर्गन बाइल जूस सिक्रेट करता है? तो इसका आंसर है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर है कैनबेरा। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडॉप्ट द नेशनल एंथम, यानी संविधान सभा द्वारा नेशनल एंथम को कब स्वीकार किया गया था? तो नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लाइन है उसका क्या नाम है? तो इसका आंसर है रेडक्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? कथकली एक डांस है, एक नृत्य है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरला से संबंधित है। नेक्स्ट है, इंटरटेनमेंट टैक्स इम्पोज बाय, जो इंटरटेनमेंट टैक्स होता है, मनोरंजन कर होता है, वो किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर है राज्य सरकार, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द विनर ऑफ मेन सिंगल US ओपन टेनिस चैम्पियनशिप 2016? US ओपन टेनिस चैम्पियनशिप 2016 का मेन सिंगल का विनर कौन था? तो इसका आंसर है स्टैन वावरिंका। तो दोस्तों, ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। SSC MTS में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके पहले मैंने करंट अफेयर के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया था, वो भी आप अगर नहीं देखे हैं तो उसे देखें। और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, अगर इससे कुछ जानकारी आपको मिली हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।